गुड मॉर्निंग क्लास। आज भूगोल की सीरीज में या भूगोल की कड़ी में आज हम हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है, यहाँ पहले तेथिस सागर था। तो पहले तो मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, मैं पूरा हिमालय के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन कराता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हिमालय का क्षेत्रफल कितना है। हिमालय का क्षेत्रफल 5,00,000 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, हिमालय की लंबाई कितनी है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन आएगा, हिमालय का आकार कैसा है। हिमालय का आकार चाँप के आकार का है। चाँप क्या होता है, आपने 6th, 7th, 8th में या 9th, 10th में या फर्स्ट ईयर इंटर में ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ज्योमेट्री में वो आर्क लगाया जाता है, प्रकार रख के ऐसे किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम चाँप आकार। यानी हिमालय का आकार चापाकार है या तलवार के आकार का है या धनुषाकार है। हिमालय का क्षेत्रफल 5,00,000 वर्ग किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है, पहले यहाँ तेथिस सागर था। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। देखिए, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और हिमालय ऐसे फैला हुआ है। इस प्रकार हिमालय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, म्यांमार, बहुत सारे देशों में जाता है। पाकिस्तान में हिमालय को क्या कहते हैं, भाई सुलेमान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलेमान। अफगानिस्तान में हिंदू कुश कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू कुश। हिमालय की एक शाखा भारत के पूरब में एक देश है म्यांमार, यहाँ चली जाती है, और यहाँ पर हिमालय को अराकान योमा कहते हैं। हिमालय का विस्तार, फिर से सुनिए, हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर है। ये पश्चिम है, ये पूरब है, यहाँ से यहाँ की ओर फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय का क्षेत्रफल 5,00,000 वर्ग किलोमीटर है, लिखा हुआ। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है, लिखा हुआ है। हिमालय पश्चिम में, यहाँ जम्मू कश्मीर है भैया, क्या है यहाँ? जम्मू कश्मीर। हिमालय पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। यानी हिमालय पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक स्थित है। यानी यहाँ पर हिमालय की जो शाखा है पूर्वी, उसका नाम है नामचा बारवा। क्या है? नामचा बारवा। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हिमालय की पूर्वी सबसे ऊंची चोटी बताइए, नामचा बारवा। हिमालय पश्चिम में जम्मू कश्मीर शुरू हो रहा, पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा। जम्मू कश्मीर में कौन से पर्वत से शुरू हो रहा? नंगा पर्वत से। कौन से पर्वत से? फिर से देखें भाई, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ की ओर है? पश्चिम से पूर्व। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, हिमालय का क्षेत्रफल 5,00,000 वर्ग किलोमीटर। हिमालय जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से शुरू होता है पश्चिम में, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक जाता है। समझ आया? यानी हिमालय का विस्तार पश्चिम में कहाँ शुरू हो रहा? जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से। पूरब में कहाँ तक जा रहा? नामचा बारवा तक। हिमालय की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बारवा। हिमालय पश्चिम में जम्मू कश्मीर में शुरू होता कौन से पर्वत से? नंगा पर्वत से। हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? 5,00,000 वर्ग किलोमीटर। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। हिमालय का आकार कैसा है? चापाकार, तलवार के आकार, धनुषाकार। समझ आया? हिमालय को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? सुलेमान। अफगानिस्तान में क्या कहते हैं? हिंदू कुश। हिमालय की एक शाखा म्यांमार जाती है, म्यांमार में क्या कहलाती है? अराकान योमा। हिमालय का क्षेत्रफल 5,00,000 वर्ग किलोमीटर। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर। हिमालय का आकार चापाकार, तलवार के आकार का और धनुषाकार। हिमालय पश्चिम में जम्मू कश्मीर शुरू होता है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है नंगा पर्वत, यहाँ से हिमालय शुरू हो जाता है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक जाता है। हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान कहते हैं, अफगानिस्तान में हिंदू कुश कहते हैं। हिमालय नेपाल भी जाता है, थोड़ी सा चीन में भी है। हिमालय की शाखा म्यांमार चली जाती है, और म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा कहते हैं। समझ आया? जो लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग, अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं हिमालय। हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? 5,00,000 वर्ग किलोमीटर। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर। हिमालय का क्षेत्रफल 5,00,000 किलोमीटर। हिमालय पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से शुरू होता, पूरब में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक जाता। क्वेश्चन आएगा, हिमालय की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बारवा। पश्चिम का जो हिमालय है उसकी चौड़ाई अधिक है, ये क्वेश्चन आता है भैया। पश्चिमी हिमालय जो है, ये वाला हिस्सा, इसकी चौड़ाई क्या है? अधिक।
जबकि पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई क्या है? कम है। यानी चौड़ाई तो जरूर ज़्यादा है लेकिन ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की चौड़ाई कम है लेकिन ऊंचाई क्या है? अधिक है। हिमालय का आकार चापाकार है, धनुषाकार है या तलवार के आकार का है? आगे देखते हैं। हिमालय पश्चिम से पूर्व दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। भैया देखिए, ये दिशा पूर्व, ये दिशा पश्चिम। भैया नीचे का हिस्सा हमेशा दक्षिण होता है, ऊपर का हिस्सा उत्तर होता है। तो हिमालय पश्चिम में भी दक्षिण की ओर घुसा, पूर्व में भी दक्षिण की ओर घुसा। यानी हिमालय पश्चिम से पूर्व तक दक्षिणवृत्ति है या दक्षिणवृत्ति मुड़ा हुआ है। हिमालय पश्चिम और पूर्व दोनों में किस दिशा में है? दक्षिण की ओर। आगे, हिमालय पूर्वी छोर पर भी दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है, पश्चिम की छोर पर भी दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। हिमालय को मिजोरम में क्या कहते हैं? मिजो पहाड़ी। नागालैंड में क्या कहते हैं? नागा पहाड़ी। मणिपुर में क्या कहते हैं? मणिपुरी पहाड़ी। और अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को कहते हैं पटकोई ब्रूम। हिमालय की एक शाखा म्यांमार जाती है, वहाँ पर क्या कहलाती? अराकान योमा। आगे, हिमालय एक नवीन मूलधार वलित पर्वत है। नवीन मूलधार वलित पर्वत क्या होता है? जैसे किसी पर्वत है, किसी भी पर्वत के ऊपर जब फोर्स लगाया जाता है तो वो पर्वत मुड़ जाता है, उसको हम फॉल्टेड माउंटेन कहते हैं। जैसे कॉपी दिखाइए आप, जैसे ये कॉपी है और ये हिमालय है, ये कोई भी पर्वत है, इसमें यहाँ से भी प्रेशर पड़ा, यहाँ से भी पड़ा, तो ये ऐसे मुड़ गया ना। तो ये इस टाइप के पर्वत को हम क्या कहते हैं? मूलधार पर्वत या फोल्डेड पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। विश्व के जितने भी ऊंचे पर्वत हैं सभी नवीन मूलधार पर्वत हैं, ठीक है, या फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय की एक नवीन मूलधार पर्वत है यानी वलित पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति सैन्यजोइक महाकल्प में हुई थी। मैंने अभी आपको स्टैटिक जीके का एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सरीसृपों का युग मीसोजोइक युग को कहा जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया था जैसे बहुत सारे युग हुए हैं, उसी प्रकार एक हमने आपको बताया था सेनोजोइक, आर्डोविशियन, सिलोरियन। तो ये हिमालय की उत्पत्ति जिस युग में हुई वो कौन सा युग है? सेनोजोइक महाकल्प या सेनोजोइक युग। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अच्छी व्याख्या, सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन जिस भूगोल वेत्ता ने दिया वो है कोबर। कोबर जर्मनी के हैं और कोबर ने जो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में जब व्याख्या दी उसे क्या कहते हैं? भूसन्नति सिद्धांत। कि वो कोबर ने बताया जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है, पहले यहाँ टेथिस सागर था। क्या था? मैंने कल एक वीडियो डाला था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, उस महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि टेथिस सागर की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें मैंने आपको बताया था, मैं रिकॉल करा देता हूँ कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड बेगिनर ने दिया था, ये जर्मनी के थे। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा था कि प्रारंभ में जो 7 महाद्वीप नहीं थे और ना 5 महासागर थे, इन्होंने बताया कि प्रारंभ में एक बृहद महाद्वीप था उसका नाम था पेंजिया, और एक बृहद महासागर था उसका नाम था पेंथालसा। पेंजिया का विभाजन 20 करोड़ वर्ष में पहले हुआ, ये दो भागों में बट गया, उत्तर और दक्षिण। उत्तर वाले हिस्से को लॉरेंसिया या गोंडवाना लैंड कहने लगे, दक्षिण वाले को अंगारा लैंड कहने लगे। लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड में पेंथलसा का जल भर जाने से टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई, और जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टेथिस सागर था। इस बात की जानकारी हमने नहीं दी, शकील अहमद ने नहीं दी, बल्कि भूगोल वेत्ता कोबर ने दी। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन किस नदी किनारे है? स्प्री। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल, जो कि विश्व की सबसे ताकतवर महिला है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है, और जर्मनी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसे हम कहते हैं जुग सपिटजी। क्या कहते हैं? जुग सपिटजी। इतना समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान सुन लीजिए। हिमालय, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ की ओर बताइए आप लोग, थोड़ा जोर से बोलो। हिमालय का विस्तार पश्चिम से, ठीक है। हिमालय को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? सुलेमान। अफगानिस्तान में क्या कहते हैं? हिंदू कुश। हिमालय की एक शाखा जो म्यांमार जाती है, म्यांमार में क्या कहलाती है? अराकान योमा। हिमालय का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर शुरू होता है, पूर्व में कहाँ तक जाता है? अरुणाचल प्रदेश में कहाँ तक? नामचा बारबा तक। जम्मू कश्मीर में कहाँ से हिमालय शुरू हो रहा है? नंगा पर्वत से। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारबा है। हिमालय की पूर्वी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बारबा। हिमालय को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? अफगानिस्तान में क्या कहते हैं? हिमालय मिजोरम जाता है, मिजोरम में क्या कहलाता है? हिमालय का आकार कैसा है? धनुषाकार, चापाकार, तलवार के आकार। क्षेत्रफल कितना है? लंबाई कितनी है? हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अच्छी व्याख्या किसने दी थी? उसे क्या कहते हैं? कोबर। भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था? कोबर किस देश के रहने वाले थे? जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन किस नदी किनारे स्थित है? जर्मनी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जुग सपिटजी। क्या है? जर्मनी की सबसे ताकतवर महिला है विश्व की, उनका नाम क्या है? यानी जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। कौन है? एंजेला मार्केल। एक बार फिर से बता रहे, ध्यान सुनिए। हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ की ओर है?
हिमालय का विस्तार पश्चिम से, जोर से बोलो, हिमालय का विस्तार पश्चिम से, हिमालय का विस्तार पश्चिम से, हिमालय का विस्तार पश्चिम से, हिमालय की लंबाई, क्षेत्रफल, हिमालय पश्चिम में जम्मू कश्मीर के कौन से पर्वत शुरू हो रहा है, पूरब में कहां तक जा रहा है, नामचा बारवा तक, हिमालय की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी कौन सी, कोई दिक्कत, हिमालय को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, अफगानिस्तान में क्या कहते हैं, मिजोरम में क्या कहते हैं, मिजोरम में क्या कहते, कुछ नहीं कहते, मिजोरम में मीजो पहाड़ी कहते हैं, लेकिन हिमालय की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी नामचा बारवा है। हिमालय की पश्चिमी चौड़ाई अधिक है कि पूरब में, पश्चिमी चौड़ाई अधिक है, पूर्वी हिमालय की चौड़ाई, पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई कम है, पूर्वी हिमालय की ऊंचाई, हिमालय का आकार चापाकार तनोशाकार तलवार के आकार का, हिमालय का विस्तार जोर से बोलो, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, क्षेत्रफल, हिमालय जम्मू कश्मीर के कहाँ शुरू होता, नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक, पूरब में, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक। भाई ये जम्मू कश्मीर में ये पश्चिम है और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है, पूरब में। पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई कैसी है, अधिक, पूर्वी हिमालय की चौड़ाई, पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई कम है और पूर्वी हिमालय की ऊंचाई, आकार कैसा है, दूसरा धनुषाकार, तीसरा हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर किस दिशा में मुड़ा हुआ है, यानी हिमालय पश्चिम में भी किस दिशा में मुड़ा और पूरब में भी किस दिशा में मुड़ा, यानी हिमालय पश्चिम से पूर्व किस दिशा में मुड़ा, दक्षिण की ओर, पश्चिमी छोर पाकिस्तान में हिमालय क्या कहलाता, जोर से बोलो, अफगानिस्तान में हिंदू कुश, पूर्वी छोर भी दक्षिण की ओर मुड़ा, हिमालय की जो पूर्वी छोर की जो कुछ शाखाएं, यानी हिमालय जब पूरब में जाता है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय को मिजोरम में क्या कहते हैं, नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमालय की एक शाखा म्यांमार जाती है और वहाँ क्या कहलाती है, अराकान योमा, ठीक है। हिमालय कौन सा पर्वत है, नवीन मूलधार बलित पर्वत है। विश्व के सभी ऊंचे पर्वत कैसे पर्वत होते, हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई थी, सेनोजोएक महाकल्प में या सेनोजोएक युग में हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अच्छी व्याख्या किस भूगोल वेत्ता ने दी, कोबर किस देश का था, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन किस नदी किनारे स्थित है, जर्मनी की सबसे चोटी क्या है, जो कि सपेट जी देखिए, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है, जर्मनी की सबसे ऊंची चोटी जुग सपेट जी है, जो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हैं, जो कि विश्व की सबसे ताकतवर महिला हैं, ठीक है। इसके बाद कोबर ने बताया था कि जहां आज हिमालय पर्वत है यहां पहले क्या सागर था, समझ में आ गया, अच्छे से आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।